बेनती करा जी, आ हथ बन बेनती जी, जे साडा बचपन अजे ही लंघ गया, लंघ गया और अज सानू खुशकिस्मती दे नाल सत संगत मिली है और सत संगत विच आके सानू ये पता लगा है कि तिन्ने अवस्था विच जप के अपना जीवन सफला करके जाना सी, पर एक अवस्था एक पड़ा दे विच अपना वो काम नहीं किया। फिर घट्टो घट एक दर्द तो रखो कि जे मेरा बचपन अजिहा लंघ गया वो मेरे बच्चियां दा बचपन इदा ना लंघे। आखो सतनाम। देखो अपने बच्चियां दे बचपन नू संभालण दी जिम्मेवारी माँ बाप दी है, वो तो नदान है, उन्हें तो खेडां दे विच कुत्तां दे विच खेड कूद दे विच लंघा देने, पर मां तू तो सियाणी है ना, पिता तू तो सियाणा है, जेड़ा घाटा तैनू पै गया अपने बच्चों नू ना पाण दे, जेड़े घाटे च असी गुजरे हां जिस घाटे तो असी गुजरे हां और साडे बच्चे ना गुजरन उस घाटे चो, ना 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 गुजर। मैं कहना मन खुश हो जाता है सस, मैं गुरु की हजूरी कहना आंदरा ठंडिया हो जाए जो सिमरन साधना दे विच मैं वेखदा ना एडे एडे बच्चे आए होंगे, एडे सुरती राही मेरा मन करता इन्हां दीआं माता इन्हां दे पिता दे चरणा दे विच मैं सिजदा करां नमस्कार। चार बजे सिमरन साधना शुरू होंदी है, साढ़े तीन घरों निकलना पिया होया और आप भी तैयार होना, फिर बच्चे नू उठा के बच्चे नू तैयार करना, घट्टो घट ढाई बजे उठाया होया, ढाई पौने तीन बजे बच्चा जाग रहा, आखो सतनाम, ढाई पौने तीन बजे बच्चा जाग रहा, मां जगा रही है, हाय हाय बच्चा किवें ना भगत बनेगा, बच्चा किवें ना आज्ञाकार बनेगा, बच्चे विच किवें ना गुरमत आएगी, बच्चा किवें ना अमृत वेले का अभ्यासी, किवें ना सत्संग नाम का अभ्यासी बनेगा। एडे एडे बच्चे सत्संग दा व्रत वेले आए होंगे, महीने की एक रहन सभाई होंगी है सचे पातशाह कृपा करते दसरिया के ग्रह विखे हर महीने एक रहन सभा, मैं वेखता सारी सारी रात, परसों भी रहन सभाई सी, कई बच्चे सारी रात चौंकड़ा ला के बैठे जपते पे, अमृत वेले फिर पंजा माणियां का नितनेम होंगे उदों भी गुटका सब खोल के बैठे हुए, स्वाद आ गया, स्वाद आ गया, सारी रात बहना उस बच्चे, कोई दो साल का, कोई दस साल का, कोई पांच साल का, कोई अठ साल का, धन उन्हां दी माता, धन उन्हां दे पिता, धन आ दर्द तो रखो ना जी, आ दर्द साडा बचपन तो लंघ गया, इदां दा लंघ गया, साडे बच्चियां दा तां ना लंघे, ना लंघे, आ सिखिए सात संगत गुरु ग्रंथ साहब महाराज के हवाले ने जिन्हों का मैं हुण जिक्र करन लगा। धन धन बाबा फरीद जी, धन धन बाबा ध्रुव जी, जिक्र ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने, जदों ध्रुव की मतरेई मां ने चुक के सात संगत बां तो पकड़ के घसीट के प्यो की गोदी तो चुक के मारिया ना परे ध्रुव जी ने, और उदो उम्र किन्नी सी, उम्र किन्नी सी, पांच साल। कोई कहेगा जी तुहानू कितना पता पांच साल, गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे हैं पांच बरख को अनाथ ध्रुव बारख हर सिमरत अमर अटारे, आखो सतनाम। पांच बरख को अनाथ ध्रुव, उस वेले गुरु अर्जन देव महाराज कहते उस वेले ध्रुव जी की उम्र सी पांच साल, सीट के मारे आओ दी मतरेई मां ने, जे इस गोदी च बहना सी राजे दी गोदी च मेरी कुखो जन्म नहीं दा, आखो सतनाम। डटो लीका होके आंदा पिया, हचकोरे भरदा आंदा पिया, सिसकिया लैंदा आंदा, सां नहीं निकलदा पिया, रोंदा पिया, मां दी गोदी च आके उची उची रोण लगा, मां ने गलबकड़ी नाल लाया बेटा की होया, बच्चा की होया, दसिया कि
मतरेई ने चुप के मैनू सुटिया। अच्छा ते सवाल कीता सी पूरी पौड़ी है दस हुण समा बचा रहा। भाई गुरदास जी कहिंदे दस तां सही तू समाणी है, मैनू दस तां सही। पांच साल के बच्चे ने एक सवाल किया, देखो सवाल कहते मां मैनू दस तो सही तू राणी है कि गोली है। कहते बेटा ये क्यों पूछता पै, मां मैनू सच दस तू राणी है कि गोली है। फिर सारी गल जो दसी मैं खिच के ध्रुह के सुटिया। तो हूँ सच्ची मां का आ सात संगत यह रोल है, यह रोल हूँ सच्ची मां ने उन्हों ज्ञान दिता। ए नहीं गया मैं राणी हाँ तू राणी का पोते तैनू किवें बाह तू ध्रू के सुट दिता, इहदा प्रतिशोध तू लेना है। अग बाल के रख जदों वड्डा होएगा जंग करी। नहीं नहीं आ भैड़ियां चीजा नहीं सिखाई। मां ने देखिया लोहा गर्म है, आए हाए मार दिया हथौड़ा तो सत ना सत मारती। कहते बचिया जन्म करके तो राणी, राणी दे घर राजे दे घर जन्म लिया, राजे दे नाल व्याही आ जन्म करके तो राणी आ पर कर्म करके गोली आ क्योंकि भगती नहीं कीती। आखो सतनाम भगती, मां भगती की होती है फिर दसिया इबादत बंदगी इहदे नाल कर्म जागदे। हुण बच्चा सी ना उस बच्चे दे मन च कई सवाल उठ रहे। एक सवाल होर उठिया कहिंदे मां फिर मैनूं दस किस उत्तम ते राज मिले शत्रु ते सब होवन मीता थो सतनाम। मैनूं दस आ राज मैनूं किवें मिले, ये शत्रु मेरे मीत किवें बणनगे। कोई माड़ी चीज नहीं सिखाई अज दी मां हुंदी ना, चल मेरे नाल देखदी आ तैनू चुक के सुटिया, नाल ही मतरेई नाल लड़ना शुरू कर देंदी, नाल ही राजे नाल झगड़ा पा लेंदी, मेरे पुत नू तेरी झोली चो सुटिया। ऐदां ही हुंदा ना जी, ऐदां ही आ सतगुर कहिंदे ने मावो ये रोल अदा करो अपने बच्चियां प्रति। साडा बचपन तां लंघ गया, बाल गई, जवानी हुण जा रही है, बिरध अवस्था कईयां दी आ गई कईयां दी आणी है। साडा तां बचपन लंघिया, उह बचपन साडे बच्चियां दा तां सांभिया जावे, सांभिया जावे। मां ने कहा कहिंदे की पुछदे पुत्र, कहिंदे मां इह दस किस उत्तम ते राज मिले, किहड़ा काम करां कि मैनू राज मिल जावे जिस राज तों मैनू धक्के पए, किहड़ा काम करां कि शत्रु मित्र बन जावे शत्रु ते सब होवन मीता। मां कहिंदी अच्छा राज चाहिदा बेटा, चाहिदा तू चाहने ये शत्रु मित्र बन जान। कहते हाँ, कहते बच्चा परमेश्वर अरादी है। आखो सतना जिद्दू होई है पत्त पुनीता, परमेश्वर अरादी है। मां ने जोड़ दिता, आ सच्ची असीस दिती मां ने। असी तो अपने पुत्रां नू आऊं ऐदा सर ते पलोस भाई मेरा पुत्र जुग जुग जीवे, भाई मेरा पुत्र राज भाग माणे, है इदां दीआं असीसां दिंदे फिरदे आ। शरीर मर जाएगा राज भाग माणेगा कित्थे तक, जुग जुग कित्थे तक जीएगा जी, किहड़े जुग तक जीएगा। मरण लिखाए मंडल में आए, ओ मां असीस देनी है ना आ दे। निमख ना विसरो तुमको हर हर सदा भजो जगदीश पूता माता की असीस। असीस दे असीस मेरे बच्चिया, निमख ना विसरो, एक निमख मात्र भी ओ परमेश्वर ओ वाहेगुरु जी तेरे सतगुरु जी तेरे तो ना विसरना को सतना वाहेगुरु तू ना विसारी। असीस